इस वीडियो सेशन पार्ट फोर में जो कि लिनक्स ट्यूटोरियल का वीडियो है, इसमें आपका हार्दिक स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम एक बहुत छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है वीए एडिटर या विम एडिटर। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए वैसे तो लिनक्स में देखिए दोस्तों कई प्रकार के एडिटर्स जो होते हैं उपलब्ध होते हैं। इसमें पुराना जो था उसका नाम था एडिटर का नैनो, नया एडिटर आजकल चल रहा है जी एडिट, जो आपके विंडोज के अंदर नोट पैड होता है, डिट्टो वही है जिसके अंदर मैं काम कर रहा हूँ। मैं विंडोज का नोट पैड एडिटर यूज कर रहा हूँ। लिनक्स में ग्राफिकल जो टूल होता है उसका नाम होता है जी एडिट। इसी प्रकार से वीआई और विम एडिटर जो होते हैं ये पुराने हैं बट ज्यादातर आजकल प्रचलन में हैं। वीआई और विम में भी सबसे एडवांस जो होता है वो होता है स्टूडेंट्स क्या, वीआईएम विम। तो देखते हैं हमारे कंप्यूटर में अवेलेबल है या नहीं है। इस पर सेट ऑफ कुछ पैटर्न्स हम कुछ ऑपरेशन देखेंगे, फाइल बनाना, इंसर्ट करना, क्विट करना, सेव करके बाहर आना, डिलीट करना, ये सब चीज़ें हम देखेंगे। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम फाइल का निर्माण कर सकते हैं, किसके साथ में, वी आई एम के साथ में या वी आई के साथ में। तो चलिए वी आई के साथ में हमने दिया माई इन्फो डॉट टी एक्स टी। जैसे एंटर करते हैं तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि नीचे नीचे लिखा हुआ रहा है माई इन्फो। अगर आप यहाँ पर आई प्रेस करते हैं इसको बोलते हैं इंसर्ट मोड। तो चलिए दोस्तों हमारा पहला टास्क होता है फाइल का निर्माण करना। ठीक है, फाइल का निर्माण करना और इंसर्ट मोड करना। तो जैसे आई दबाते हैं दोस्तों और यहाँ पर हम कुछ लिखते हैं, आपका ध्यान यहाँ होना चाहिए। जैसे हमने एक फाइल खोली, देखो जैसे आपको बताऊँ बात, आपने क्या किया, एक फाइल बनाई वी आई और फाइल का नाम दिया और एंटर प्रेस किया। तो आप नीचे नीचे देखेंगे यहाँ कुछ नाम लिखा हुआ रहा फाइल का, आई प्रेस करेंगे, आपने गार्बेज टाइप किया। देखो आप लिखे जा रहे हैं, टाइप कर रहे हैं, टाइप कर रहे हैं। ठीक है, ये आपकी गार्बेज वाली फाइल हो गई जिसमें आपका कुछ भी डेटा है, वॉट एवर। ठीक है दोस्तों, तो दो तरीके हैं सेव करने, एक तो है तरीका सेव करने का और बाहर आना, और एक तरीका होता है बिना सेव करे बाहर आना। तो चलो दोस्तों मैं पहले सेव करके दिखा रहा हूँ। मैंने सेव कर दिया, सेव करके बाहर आता हूँ तो अगर मुझे इस फाइल का आउटपुट देखना है दोस्तों तो मैं क्या करूँगा, कैट कमांड का उपयोग करूँगा। ठीक है, इसी प्रकार से मैंने फिर से वही फाइल खोली माई इन्फो और मैंने यहाँ पर कुछ चेंज करने की कोशिश करी। तो दोस्तों मैं आई प्रेस करूँगा और कुछ लिखने की कोशिश करूँगा। तो होता क्या है बच्चों, यहाँ पर जैसे ही मैं पर कुछ टाइप करता हूँ मुझे लगता है अरे यार मैंने तो गलती से टाइप कर दिया, तो मैं एस्केप कॉलन क्यू नॉट लिखता हूँ, एस्केप कॉलन क्यू नॉट। तो याद रखिएगा दोस्तों जब हम क्या करते हैं फाइल के अंदर कुछ लिखते हैं, मैंने यहाँ लिखा हाय 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 लिखा और मुझे सेव करना है तो मैं एस्केप कॉलन डब्ल्यू क्यू नॉट। यहाँ डब्ल्यू और क्यू का मतलब होता है राइट एंड क्विट। आप मेरे नोट्स में देख सकते हैं राइट क्विट और नॉट। ठीक है, एस्केप दबाना जरूरी होता है मोड को क्लियर करने के लिए, एस्केप कॉलन डब्ल्यू क्यू और नॉट, सेव एंड एग्जिट। ये देखिए दोस्तों आप कैट करेंगे माई इन्फो देखेंगे तो आपको ऊपर ऊपर हाय हु हाय हाय दिख रहा है पर, है ना। तो इसी प्रकार से होता है सेव एंड एग्जिट, आपने देखा दोस्तों। क्विट विदाउट सेव भी आपने देखा दोस्तों, मैं क्विट विदाउट सेव फिर से दिखा देता हूँ। आई प्रेस किया, मैंने टाइप किया, मुझे लगा गलती से टाइप हो गया, तो कॉलन एस्केप कॉलन क्यू नॉट। ठीक है दोस्तों, तो कहाँ आ रहा है ये देखो, यहाँ एंटर प्रेस किया। अब इजी मोड देखते हैं सेव करने का। कईयों को लगता है स्टूडेंट्स को कि ये सर हमारे लिए टफ रहता है, कैसे, जैसे मानो का मैंने कहा देश 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 देश, मैंने कुछ लिखा मुझे सेव करना है तो मैं क्या करता हूँ एस्केप कॉलन डब्ल्यू क्यू नॉट। तो ये बहुत लंबा है कहने का मतलब कोड, तो क्या करना है आपको सेव करने का तरीका, एस्केप दबा दें। भाई आप आई में काम कर रहे थे, आपने टाइप किया, हाँ टाइप किया, अब आप सेव करना चाहते हैं एस्केप शिफ्ट के साथ में दो बार जेड दबा दें, शिफ्ट के साथ में दो बार जेड दबा दिया और कैट किया माई इन्फो। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या आ रहा है दोस्तों, यहाँ आ रहा है ये सब चीजें आ रही हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या माई इन्फो, स्केप दबाया, इसको क्लियर कर दिया। तो दोस्तों हमने यहाँ देखा कि इजी मोड में कैसे सेव करते हैं, सबसे नीचे ये देखा थोड़ा टिपिकल वे हमारा ये वाला था और बिना सेव करे बाहर आना तो ऐसा था। फाइल का निर्माण, फाइल क्रिएट कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे। तो मैं दोनों भाषाओं में आपसे बात कर रहा हूँ दोस्तों, फाइल का निर्माण एंड फाइल का क्रिएशन। सो फाइल क्रिएशन, सो बोथ आर लिटिल बिट सेम, तो डिस्टिंग आप परेशान ना हो, मैं आपको दोनों भाषाओं में समझाता हूँ, चलता हूँ।
तो हमने देखा दोस्तों यहाँ पर फाइल को क्रिएट करना और इंसर्ट मोड चालू करना वी आई एडिटर के अंदर, सेम टास्क वी आई एम के अंदर भी होंगे। डिलीट कैसे करें, रोको या कट कैसे करें दोस्तों? मैंने एक फाइल बनाई, मैंने कहा माई फाइल डॉट टी एक्स टी, मैंने कहा हेलो हाउ आर यू, आई एम फाइन, वॉट अबाउट यू, वेल आई एम गुड, हाउ इज देयर। Here are everything fine. Don't worry. तो दोस्तों सेव करके बाहर आ गए सर, आ गए फाइल बन गई वी आई माई फाइल। अब इसमें पर्टिकुलर लाइन नंबर पे जाना है, तो पहली बात तो ये लाइन के नंबर पे सेल करते हैं दोस्तों, एस्केप कॉलन सेट नंबर, ठीक है तो ये नंबर चालू हो गए, ठीक है ये नंबर टेम्पररी है दोस्तों, क्या देखना पता पड़ा आप सेव करके बाहर भी आ गए और फिर भी नहीं चलेंगे। देखो अगली बार दोबारा फाइल खोलोगे नंबर गायब, तो क्या किया एस्केप कॉलन सेट नंबर, जैसे एंटर किया तो ये आ गए। लाइन नंबर 2, 3 और 4 को मुझे कट करना है, लाइन नंबर 2, 3, 4, तो मैंने क्या किया ये माउस चलेगा नहीं तो कर्सर को कहाँ ले आया, एरो की से देखो 2, 3 और 4 को कट करना है, तो कितनी लाइन होगी 3, 3 DD, ये देखो दोस्तों डिलीट हो गया यानी कट हो गई। वापिस से अंडू करने की कमांड क्या होती है दोस्तों, अंडू और रीडू कमांड होती है, अंडू कमांड होती है यू, कंट्रोल आर से होता है रीडू, एस्केप यू, एस्केप यू, एस्केप कंट्रोल आर, तो कट कर ली, एरो की को सबसे लास्ट में लाया और यहां लाके क्या कर दिया पेस्ट, फिर सबसे लास्ट में लाया क्या कर दिया पेस्ट, फिर सबसे लास्ट में लाके क्या कर दिया पेस्ट, ठीक है। अब मुझे लाइन नंबर 3 से लेके 10 तक काटना है, तो 3 से 10 कितने हो गए 7, एस्केप 7 DD, ये लो कट हो गई। फिर वही पेस्ट करने का तरीका क्या होता है दोस्तों, पी फॉर पेस्ट, सेव करके बाहर आ जाते हैं। सेव करने का तरीका सर ने क्या बताया, एस्केप शिफ्ट जेड जेड एंटर। तो हमने देखा डिलीट, सिंगल लाइन, मल्टीपल लाइन, ओ मैंने सिंगल लाइन आपको नहीं बताई दोस्तों, सिंगल लाइन आपको डिलीट करनी है, सेट नंबर लिखा है यहाँ पर, देखो आपको एक लाइन डिलीट करनी है आप डीडी प्रेस करेंगे बस ये गया। अगर आपको 2 लाइन डिलीट करनी है, 1, 2, 3 लाइन डिलीट करनी है तो 3 एस्केप 3 DD, ये लो गया। तो दोस्तों हम ऐसा भी कर सकते हैं, तो हमने देखा अंडू रीडू डिलीट, ठीक है। अब आती बात कॉपी एंड पेस्ट की, तो यहां पर हम कमांड यूज करेंगे वाई वाई का मतलब होता है यंग, ये ग्रीक वर्ड है, कॉपी सिंगल लाइन, अगर मल्टीपल लाइन कॉपी करनी है तो NYY, ठीक है। गो टू स्पेसिफिक लोकेशन टू पेस्ट, पेस्ट करने के लिए P होता है दोस्तों, तो चलो देखते हैं क्या होता है। वापिस ये फाइल खोली, सेट नंबर टेम्पररी होते हैं, मेरे को लगा कि मैं ना 3, 4, 5 तीन लाइनें 3, 4 और 5 को कॉपी कर लेता हूँ, तो मैंने क्या किया या 2, 3 और 5 2, 3, 4 एस्केप 3YY, तो नीचे लिखा हुआ गया दोस्तों 3 लाइन यंग, ठीक है। फिर क्या किया जहां पेस्ट करना है ना सबसे अंत में आ गए और यहाँ आके पी दबा दिया, पी ये देखो पी, फिर ये देखो कितना पी, अगर आपने यहाँ पी दबा के रख दिया ना तो देखो क्या होता है कॉपी के अंदर यानी नेस्टेड कॉपी होता जाएगा, लाइन के अंदर लाइन, लाइन के अंदर लाइन, लाइन के अंदर, सेव करके बाहर आ जाओ ये लो। तो ये हो गया कॉपी, कॉपी करने का दो तरीका होता है वाई वाई से, तो एक लाइन होती है एन वाई वाई नंबर, वाई वाई दे दोगे तो मल्टीपल लाइन हो जाएंगी, पी फॉर पेस्ट होता है। फाइंड कैसे करेंगे दोस्तों देखते हैं, वी आई माई, मान लीजिए मुझे फाइंड करना है, या दूसरी जो फाइल थी हमारी कौन सी माई फाइल, मुझे फाइंड करना है कि यहां पर हाउस कहाँ आ रहा है या गुड कहाँ आ रहा है, तो मैंने क्या किया एस्केप स्लैश क्या लिखा गुड, तो देखो अक्रेंस दिखाएगा जहां जहां ग्रीन कलर का कर्सर आ रहा है ना, यहाँ नेक्स्ट के लिए एन दबाएंगे एन 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 एन, तो प्रीवियस के लिए क्या होता है आई डोंट नो, आप देखिएगा ढूंढना क्या होता है, ठीक है। एन फॉर क्या होता है नेक्स्ट होता है, आप ढूंढना प्रीवियस के लिए क्या होता है। तो चलो दोस्तों हमने ये देखा फाइंड कैसे करते हैं, ठीक है। कोई वर्ड फाइंड करना हो, कुछ भी करना हो, आप क्या करेंगे फाइल खोलेंगे स्लैश लगाएंगे और वर्ड का नाम लिख देंगे, जैसे आपने लिखा फाइन, तो फाइन जहां जहां आ रहा है एन दबाते चले आपको फाइन दिखता चलेगा,
तो फाइंड करने का तरीका हो गया दोस्तों। इसी प्रकार से अब आता है दोस्तों एक ऑप्शन सबसे इम्पॉर्टेंट, फाइंड एंड रिप्लेस। हम जैसे करते हैं ना विंडो में फाइंड करो और उसको रिप्लेस कर दो, तो एक काम करते हैं फाइल खोली, जहाँ जहाँ पे फाइंड आ रहा है ना वहाँ कुछ और कर देते हैं। जैसे मैंने किया एस्केप कॉलन परसेंट एस स्लैश फाइंड, क्या जहाँ पर भी या तो एम आ रहा है AMM आ रहा है उसको कैसे कर दो वाज से, ठीक है, और लास्ट में क्या कर दो जी। ये पैटर्न होता है दोस्तों परसेंट एस से फॉर्मेटिंग ऑफ स्ट्रिंग, इसको फाइंड करना है, किसको रिप्लेस करना है, और जी पैटर्न अंत अंत होता है एंड। एंटर प्रेस किया तो जहाँ पर भी आ रहा है ना आई एम फाइन, तो यहाँ आ जाएगा आई वाज आ जाएगा। ये देख रहे हैं दोस्तों क्या हो गया, फाइंड एंड रिप्लेस। सेव करके बाहर आ जाओ। और अंत में दोस्तों वही चीज जो मैं आपको बता चुका हूँ जो कि टेम्पररी होता है, सेट लाइन नंबर। ओ सेट नंबर। तो आई होप यू दोस्तों कि आपको ये समझ में आया होगा। 6 ऑपरेशंस हैं वीआई एडिटर के। तो वीआई एडिटर में हम सब चीजें देखते हैं। आपको मैंने वीआईएम नहीं बताया, आपको मैंने जी एडिट नहीं बताया, क्योंकि मेरे पास में है सीएलआई मोड का ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मैं आपको वीआईएम तो दिखा सकता हूँ दोस्तों। कैसे दिखाऊंगा, अगर कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना हो तो क्या करते हैं, यम इंस्टॉल वी आई एम, यम से हम कर सकते हैं। यम एक रेपोजिटरी या डिपेंडेंसी रिजॉल्वर है, और हम यहाँ पर इसको -- इंस्टॉल कर लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों इंटरनेट पे जाता है, इसके लिए इंटरनेट रिक्वायर्ड है। तो ये हमारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा वी आई एम। 31 इसके पैकेजेस हैं, पर्ल इसकी डिपेंडेंसी है, इसलिए कहते हैं यम या डीएनएफ हम यूज में ला सकते हैं, जो कि हमारे डिपेंडेंसी को रिजॉल्व कर देते हैं। इंटरनेट की स्पीड आपके पास में अच्छी होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों वीआईएम हो चुका है, तो आई करेंगे वीआईएम। वही फाइल हम खोल लेते हैं, माई फाइल। देखो किस तरह खोला मैंने ये फाइल को, किस में खोला मैंने, वी आई एम में। अब मैं फाइंड करता हूँ वाज कहाँ आ रहा है बेटा, तो देखिए आप हाइलाइट हो रहा है, इसका मतलब कीवर्ड हाइलाइट, और एन दबा रहे हैं तो ग्रीन कलर से फोकस जा रहा होगा। तो ये होता है फर्क दोस्तों किसके अंदर, वी आई एम में और वी आई में। वी आई में जो इनबिल्ट वर्ड होते हैं वो हाईलाइट नहीं होते, जबकि वी आई एम नया एडिटर है, इसमें इनबिल्ट या रिजर्व वर्ड जो होते हैं वो हाईलाइटेड हो जाते हैं, बस इतना सा डिफरेंस है। तो चलिए दोस्तों अगले हम सेशन में पढ़ेंगे कि परमिशंस क्या होती हैं, लिनक्स में, और कैसे उनको यूज किया जाता है। हम ये कमांड देखेंगे, यूजर एड कमांड देखेंगे दोस्तों, ठीक है, हम देखेंगे लाइक पासडब्ल्यूडी कमांड, इनका क्या यूज है ये देखेंगे दोस्तों, कैसे ये काम आती हैं, ठीक है। एंड हम ये देखेंगे सी एच ओन जी आर पी एंड सी एच मोड। तब तक के थैंक यू वेरी मच। Bye-bye.